मुखिया नीतीश कुमार पूरे राज्य में शराबबंदी को लेकर सख्त हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के सिपाही उनकी कोशिशों को कथित तौर पर ठेंगा दिखा रहे हैं। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो के सामने आने के बाद कही जा रही है। हालांकि बिफोर प्रिंट इस वीडियो का कहीं से भी पुष्टि नहीं करता है। वायरल वीडियो पर यकीन करें तो इसमें जदयू नेता निर्भय कुमार सिंह को शराब और शबाब के साथ मदमस्त देखा जा सकता है। वीडियो में पटना के संपतचक प्रखंड के पूर्व प्रखंड प्रमुख सह युवा जदयू के प्रदेश सचिव निर्भय सिंह बार बालाओं के साथ नाच का लुफ्त लेते हुए जाम छलकाते हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले में बिहार सरकार में भाजपा कोटे के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि पूरे राज्य में शराबबंदी लागू है, ऐसे में कोई भी इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। दूसरी तरफ वीडियो वायरल होने के मामले में निर्भय सिंह ने पूरी तरह से फर्जी बताया है। जदयू नेता ने खुद को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सच्चा सिपाही बताते हुए शराबबंदी कानून को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाए जाने की बात दोहराई। निर्भय ने कहा है कि वे शराब का सेवन तक नहीं करते हैं, ऐसे में शराब के साथ उन्हें वीडियो में दिखाया जाना पूरी तरह से साजिश है। जदयू नेता ने कहा कि उनकी लोकप्रियता से घबराकर विरोधी उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पूरे मामले की जांच किए जाने की अपील की है। बता दें कि इससे पहले युवा जदयू के ही प्रदेश अध्यक्ष व टेकारी विधायक अभय सिंह कुशवाहा का भी एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में कुशवाहा बार बालाओं के साथ नाचते हुए नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि सूबे में शराबबंदी के बावजूद जाम छलकाते नेता विशेषकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू नेताओं का वीडियो वायरल होना कई सवाल खड़े करता है। बड़ा सवाल यह है कि अगर जनप्रतिनिधि ही इस तरह के अवतार में नजर आएंगे तो जनता के बीच सरकार की क्या विश्वसनीयता रह जाएगी। फिलहाल इस वायरल वीडियो में कितनी सच्चाई है यह तो आने वाला वक्त ही म्यूजिक स्टूडियो। पटना से बिफोर प्रिंट के लिए नियाज आलम की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।